पाक अफगान तोरहम बॉर्डर जीरो पॉइंट पर मुसाफिरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेरिफिकेशन सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। इस वक्त तोरहम बॉर्डर जीरो पॉइंट पर FIAAD के हमरा लंडी कोतल से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाह रहमान शनवारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा शाह रहमान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर तोरहम जीरो पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर FIAAD ने ई वीज़ा सहूलत प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है FIAAD तोरहम, इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये वीज़ा सिस्टम किस मकसद के लिए यहाँ पर जारी कर दिया। ये सिस्टम हमारे पास पहले वहाँ पे हमारे जहाँ पे इमिग्रेशन होती है, जो हम पे लोग नादरा कहते हैं, वहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन उसका नुकसान ये था कि अगर कोई, चूँकि ये ज़ीरो पॉइंट और जहाँ पर इमिग्रेशन होती है उसमें काफ़ी फासला है, तो दरमियान में जो फेक वीज़ा वाले थे या दूसरे लोग थे, चूँकि ये ITTMS प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी वजह से उनके स्किप होने का काफ़ी ख़दशा होता था। तो ज़ीरो पॉइंट पर हमें ये फ़ायदा होगा कि जो यहाँ पे वीज़े हम चेक करेंगे और इधर ही उनका सारा पता चलेगा कि फेक है या जेन्युइन है। जेन्युइन पैसेंजर्स को आगे इमिग्रेशन के लिए भेज दिया जाएगा और जो फेक होंगे उनको वापस किया जाएगा यहाँ से। जी, आपने इनकी बातें सुन ली। वो कह रहे थे कि ज़ीरो पॉइंट पर वीज़ा रखने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर फेक वीज़ा और जेन्युइन मुसाफिरों में फ़र्क वाज़ह नज़र आ जाएगा और यहाँ पर मुसाफिरों को सहूलियात भी मिल जाएंगे। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।